जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी सरकार। मैं आप सबकी बहन आरती घोसी, आरती घोसी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सबको पता है कि बागेश्वर धाम में क्या चल रहा है, तो अगर जिसको पता नहीं है तो उसके बारे में हम बता दे रहे हैं। हम बैठे हैं ना आप सबकी बहन सबको जानकारी देने के लिए। तो अभी बागेश्वर धाम में से अभी एक खबर आई है, उड़ती उड़ती हुई हमारे कानों तक पहुँची, तो हमने सोचा आप सबके कानों तक पहुँचा दें। बता दें क्या खबर आई है। खबर ये आई है कि गुरुजी अभी बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो हैं, जो 121 बहनों का विवाह होने वाला है, सामूहिक विवाह होने वाला है, तो उनके पिता बन गए हैं। जिन मतलब लड़कियों के पिताजी से बोला है उन्होंने कि अभी आप इस चिंता से मुक्त हो जाइए, जिससे आप सबको टेंशन हो, परेशानी हो कि हमारी लड़कियों की शादी होनी करनी है, कैसे करें, कुछ भी आप सब समझ सकते हो। तो उनने गुरुजी ने बोल दिया है कि इन लड़कियों की जिम्मेदारी मेरी है, मैं आज से इनका पिता हूँ और मैं सब कुछ करूँगा, जैसे आप लोग करो कर नहीं पाओगे, गरीब परिवार से हैं तो उनकी जिम्मेदारी ली है। तो गुरुजी का कहना तो आप सभी को पता है, गुरुजी ने अच्छे साफ तरीके से समझा दिया है, मतलब उनसे पिता परिजनों से, वधू के परिजनों से, वर के परिवारों से, लड़के के घर वालों से, लड़की के घर वालों से, सबसे उन्होंने हाथ जोड़ के बोल दिया है कि आपने पाल पोस कर बड़ा कर दिया है मेरी लड़कियों को, आज से मैं इनकी जिम्मेदारी लेता हूँ और जो जिम्मेदारी जो हो सकेगा मैं करूँगा इनकी शादी, और जितना लगेगा दान दहेज जो कुछ भी होगा मैं करूँगा। गुरु जी की इतनी बड़ी सोच है, इतनी सी कम उम्र में इतने बड़े बड़े काम करते रहते हैं हमारे गुरु जी। पहले 11 कन्याओं का विवाह, फिर 108 कन्याओं का विवाह, अब 121 कन्याओं का सामूहिक विवाह, और ऐसे नहीं ठाट बाट से। भैया उन बहनों की तो भाग्य खुल गए कि गुरुजी उनका कन्यादान ले रहे हैं, 121 बहनों का कन्यादान ले रहे हैं हमारे बागेश्वर धाम सरकार, और फिर भी लोग उनके लिए ही बुरा बनाने में लगे हुए हैं, फिर भी उनके लिए ही लगे हुए लपेटे में लेने के लिए। भैया जो बुराई कर रहे हैं, जो बुरा सोच रहे हैं, तो अब तो समझ जाओ क्यों पड़े हो उनके पीछे, कि वो तो इतनी सी उम्र में इतना बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, तो अब तो समझ जाओ। आप सब सोच रहे होगे अभी हम कहाँ हैं, हम अपने मायके में आए हुए हैं, इसलिए ये अलग से वीडियो लग रहा होगा कि अभी पहले छत में रहते थे, अभी कहाँ घर के पीछे है, भैंस है, गाय है, सब बंधे हैं, तो हम अपने मायके में आए हैं और मम्मी के घर पे है। हमने आप सबको बताया था, शायद नहीं बताया होगा, अगर जिसको नहीं पता है तो ये भैया हमारे मायका है, हम यहाँ पले बड़े हैं, यहाँ खेले कूदे हैं। चलो हम अपने बारे में तो बाद में बताएंगे, लेकिन पहले गुरुजी के बारे में जानकारी देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सबको भी उम्मीदें लगी होती हैं कि गुरुजी के बारे में कहीं से भी थोड़ा सा पता चल जाए। तो गुरुजी का तो कहना, गुरुजी ने सबसे लड़कियों के परिजनों से हाथ जोड़ के बोल दिया है कि आज से मैं इनका पिता हूँ, जो कुछ होगा, जो कुछ भी विवाह में जो कुछ लगेगा मैं अपने तरफ से दूंगा, करेंगे हम, बालाजी की कृपा ऐसे ही बनी रहे। तो आज 121 बहनों का विवाह, सामूहिक विवाह करने जा रहे हैं गुरुजी बोल बता रहे थे, और कभी होगा तो बहुत सी बहनों का विवाह करेंगे, बालाजी की कृपा ऐसी ही बनी रहे कि वो इतने पुण्य के काम कर रहे हैं 26 साल की उम्र में, तो वो तो निश्चित ही बनेगी। चलो ठीक है, आज का वीडियो यहीं करते हैं समाप्त, तो और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। आप सबको अगर मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के ऑप्शन पर सेलेक्ट कर दें, तो हमारे वीडियो आप सबको सबसे पहले देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे ही अपलोड करेंगे वैसे ही आप सबके लम मोबाइल में आ जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक कि जय श्री राम, जय बागेश्वर।